हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो देखेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2020 है ये किसको प्राप्त हुआ है, किसको सम्मानित किया गया है? मार्कस रैशफोर्ड को, वोल्टरी वोटास को, मैक्स वेरस्टैपेन को, या फिर लुइस हैमिल्टन को? तो राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, लुइस हैमिल्टन के साथ में रिलेट कर जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यूईएफए के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, यूईएफए के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को किसने प्राप्त किया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, मार्कोस सीजर ने, डेविड हॉसमैन ने, या फिर ओस्टम अब्राहिम ने? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के साथ में रिलेट कर जाएगा, नहीं ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, सानिया नेहवाल, स्मृति मंथाना, पीवी सिंधु या फिर सानिया मिर्जा? क्वेश्चन नंबर थ्री, सही उत्तर बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा के साथ में रिलेट करेगा, जी हां डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में लास्ट में सबसे दिया है पुरस्कारों से रिलेटेड, तो पुरस्कार आपके पुराने भी आ सकते हैं, न्यू जो लेटेस्ट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो भी वहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर से जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी गेम से रिलेटेड पुरस्कार प्राप्त हुए सारे यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। एक एक वीडियो, तीसरी या चौथी वीडियो आपको ये दी जा रही करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे उन सभी वीडियोज का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देखिएगा। अगर 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो 40 नंबर का आपका बन जाता है, तो 40 में आपके 40 मिलने चाहिए अगर यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 नंबर का, इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड मिला है, 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? रानी रामपाल को मिला है, स्मृति मंथाना को मिला है, पीवी सिंधु को मिला है, और डी ऑप्शन है सानिया मिर्जा को मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, रानी रामपाल को प्राप्त हुआ, यानी ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, मनप्रीत सिंह ने जीता है, बलवीर सिंह ने जीता है, आकाशदीप सिंह ने जीता है, या फिर हरभजन सिंह ने जीता है? तो हॉकी से बात की जा रही तो यहां पे एक ऑप्शन तुरंत क्लिक कर दीजिए, अगर गलत हो जाएगा आपका हरभजन सिंह को इसको हटा देना, 3 ऑप्शन से आपको आंसर क्लिक करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर आपने क्लिक किया होगा, मनप्रीत सिंह के साथ में रिलेट करेगा क्वेश्चन नंबर 5, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, सभी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, आप पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा, जिस नोट्स में आपको वन लाइनर क्वेश्चन एंड MCQ टाइप में क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे, और पेड ग्रुप में आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह किसको मिला है? ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर डी ऑप्शन है अंबाती रायडू? यहां पे आंसर क्लिक कर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको मिला है? रोहित शर्मा को प्राप्त हुआ है, विराट कोहली को प्राप्त हुआ है, धोनी या फिर अंबाती रायडू? तो राइट आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है रोहित शर्मा के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 7 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर बने, कौन बना है प्लेयर ऑफ द ईयर? गुरप्रीत सिंह संधु, राजू, और सी ऑप्शन है दोनों, और डी है कोई भी नहीं। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7,
उत्तर आपका रिलेट करेगा सी ऑप्शन, यानी गुरप्रीत सिंह संधू को भी प्राप्त हुआ है, राजू को भी प्राप्त हुआ, यानी दोनों के साथ में रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर का क्वेश्चन, बैंटन ब्लिट्स कप 2020 किसने जीता है, किसने प्राप्त किया है? 8 नंबर का राइट आंसर बताइए, अली रजा फिरोजा, कुनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद या फिर मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर क्या होगा यहां पे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एबीसीडी में से ए ऑप्शन हो जाएगा क्या, अली रजा फिरोजा के साथ में रिलेट करेगा। जी हां, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है, आप लोग एक बार अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अन्य एग्जाम्स में भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। किसने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है, किसने प्राप्त की है? मनोहर पांडे, सौरभ जैन, अमित शुक्ला, विष्णु शिवराज पांडियन। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, विष्णु शिवराज पांडियन के साथ में रिलेट करेगा, यानी डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यहां पे, हिमा दास, पेरेस जेप चिरचिर, और सी ऑप्शन है एस सूर्या, और डी ऑप्शन है एलियट किपचोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दो ऑप्शन से आप क्लिक करिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे, ए बी सी डी में से आप दो में से आंसर क्लिक करके बताना है, पेरेस जेप चिरचिर हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अब ये किस देश से संबंधित है, किस देश से रिलेट करते हैं, रूस, केन्या, ग्रीनलैंड या फिर आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जबरदस्त, केन्या से रिलेट कर जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, आप पेटीएम के द्वारा आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करो, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करें आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मोहन बागान रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, ये किसने प्राप्त किया है, गुरुबख्श सिंह, पलाश नंदी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, गुरुबख्श सिंह को मिला है, पलाश नंदी को मिला है, सी उत्तर के साथ में रिलेट करेगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 मिला है, किसको प्राप्त हुआ है, रानी रामपाल, इसिका चौधरी, मिताली राज या फिर सुधा शर्मा। यहां पे आंसर क्या होगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो यहां राइट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, इसका चौधरी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, एकलव्य पुरस्कार से ही रिलेटेड होगा, स्थापना कब हुई थी, 1993, 1994, 1995 या फिर 1996, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना बताइए, 1993 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा कि 20 में से आपके करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और एक से दो बार वीडियो आप देखेंगे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार देखने के बाद क्लिक कर देंगे। UEFA किस लीग का नाम है, UEFA किस लीग से रिलेट करता है ये, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये रिलेट करता है आपका सी ऑप्शन होगा, यानी फुटबॉल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है किस देश के रहने वाले हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, पोलैंड के या फिर साउथ कोरिया के हैं। 16 नंबर का सही उत्तर बताइए, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, आप पेटीएम के द्वारा आपको पेमेंट करना होगा, 500 रुपीज चार्जेस है, 500 रुपीज का पेमेंट करके जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, WBBL महिला T20 किस लीग का नाम है, ये किस लीग का नाम है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये रिलेट करता है आपका बिग बैश से रिलेट करता है, यानी क्रिकेट से रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, 18 नंबर का, महिला बिग बैश लीग 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है, सोफी डिवाइन, एलिसा हैली, एसलेक गार्डनर या फिर मिताली राज।
सही उत्तर क्लिक करना है आपको। राइट आंसर सोफी डिवाइन के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एर्लिंग हॉलैंड किस देश के फुटबॉलर हैं? हॉलैंड के हैं, नॉर्वे के हैं, इंग्लैंड के या फिर चीन के हैं? तो ये हॉलैंड से नहीं रिलेट करेंगे, इनका नाम ही है, तो यहां पर राइट आंसर होगा नॉर्वे, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एर्लिंग हॉलैंड को गोल्डन बॉय पुरस्कार 2019 यानी 2019-20 में कितने गोल करने के लिए प्रदान किया गया? ये कितने गोल करने के लिए प्रदान किया गया? 41, 42, 43 या फिर 44? तो 41, 42, 43, 44 राइट आंसर आप क्लिक करिएगा। यहां पे राइट आंसर जो चला जाएगा आपका 44 के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी डी ऑप्शन में दिया हुआ है तो डी ऑप्शन के साथ में राइट आंसर रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, अपनी पेटीएम के द्वारा आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। फोन जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। सभी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।